हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मेरी विश है कि आप सब ठीक हो। और आज हम आपके साथ एक बहुत ही छोटा सा वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बहुत सारे नेक डिज़ाइन शेयर किए हैं जो काफ़ी ट्रेंडी हैं, काफ़ी आजकल ट्रेंड में हैं, अच्छे लगते हैं बने हुए। लेकिन आज एक मेरे पास मैसेज आया है कि आप बहुत सारे डिज़ाइन शेयर करते हो लेकिन हमें सिंपल गले का मेजरमेंट लेना और कटिंग करना और बनाना भी बताएं। तो आज मैं उनके लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो गले की चौड़ाई रखनी है नॉर्मल, जो नॉर्मल गले की चौड़ाई रखी जाती है वो 3.25 इंच रखी जाती है। तो यहाँ पे 3.25 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ पे जो गले की डीपनेस है वो हम रख देते हैं 7.5 इंच। ये भी नॉर्मल वाला साइज है लेकिन जो गले की डीपनेस है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 7, 6, 8, जो भी आप पहनना चाहते हो। तो यहाँ पे भी 3.25 का निशान लगाते हैं और इस निशान को इस निशान से ऊपर मिला देंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये मिल गए हैं। अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा बिल्कुल डिजाइन बनाना है। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा कर्वी करते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कितने इंच में कैसे करना है। इस तरह, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 2 इंच का गैप है, ये जो गैप है इसका यहाँ पे 2 इंच का आप निशान लगा लें और यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लें। ठीक है, ये 1 इंच का निशान है, 1 इंच तक हमने इस तरह लेके जाना है इसको, और इसको इस वाले निशान को यहाँ पे मिला देंगे हल्का सा इस तरह कर्व देके। ठीक है, और अब इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे 1/2 इंच और इस निशान से मिला देंगे। तो ये बहुत ही एक सुंदर और बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन बन जाएगा। जरूरी नहीं होता है कि हर सूट में हमने कोई डिज़ाइन वाला गला बनाना होता है, कई गले सिंपल भी बनाए जाते हैं। तो ये गला जो है वो बिगनर्स के लिए है, जो अभी सिलाई सीखना जिन्होंने शुरू किया है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैसेज मुझे पता है बहुत सारे आएंगे, क्या सिखाया है आपने, बहुत ईजी है, ये है वो है। बट जिनको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, अब इसकी हम कर देते हैं कटिंग। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर बंदे को सब कुछ आता है, किसी किसी को नहीं आता है तो वो यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गले की कटिंग हो चुकी है, अब हम इसे कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। अब मैंने शर्ट के साथ का कपड़ा ले लिया है, इसे हम यहाँ पे रखेंगे। बाहर की तरफ हमने 1/2 इंच कपड़ा रखना होता है हमेशा, जब भी जो बिगनर्स हैं वो इस चीज को ध्यान में रखें, जब भी हम गले को जोड़ते हैं तो ये 1/2 इंच कपड़ा हम इस साइड जरूर रखेंगे। और यहाँ पे जो बीच का गैप है वो हमने 3.25 लिया था और यहाँ पे 5.5 बन जाएगा ये, यहाँ पे 5.5 इंच का हमने निशान लगा लिया। और ये चीज का ध्यान रखें, जिनकी चेस्ट का जिनकी बस्ट का नाप 17 इंच से कम है वो लोग गले की चौड़ाई 2.5 रखेंगे, यहाँ पे 3.25 नहीं रखेंगे। वो उनको इसलिए कम रखना है कि गला हमारा फिर फैल जाता है, साइडों में गिरेगा। तो यहाँ पे 17 इंच से कम बस्ट वाले लोग यहाँ पे 2.5 रखेंगे, और 17 इंच से जिनकी बस्ट ऊपर है वो यहाँ पे 3.25 रखेंगे, और जिनकी बस्ट बहुत हैवी है जैसे जो 24 वाले हैं वो 3 भी रख सकते हैं। अब इस तरह 5.5 इंच का गैप रख के हम इस कपड़े को, हमने इस बुकरम को सिल लिया है, अब इस कपड़े को हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। इस कपड़े को जैसे 1/2 इंच के करीब हमने साइडों से कट कर लिया है, अब इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे पहले। शेप कोई भी हो गले की, बनाना आपने इसी तरह सेम तरीके से। ऊपर से पहले एक फिनिशिंग दे लेंगे, अब इसे इस तरह फोल्ड करते हैं और इसे यहाँ पे कट करते हैं। ओके, ये सेंटर का निशान हो गया है। अब इस निशान को हमने इस साइड भी बनाना है, नीचे वाली साइड में भी सेंटर का निशान हमेशा देख लेना है, नहीं तो आपका गला टेढ़ा हो जाएगा अगर आप ये वाला निशान नहीं बनाओगे। ठीक है, और इस निशान को हम इस तरह सीधा कर लेते हैं। अब हमने ये वाला गला शर्ट के ऊपर बनाना है। अब ये मैंने शर्ट का फ्रंट पीस लिया है, इसके ऊपर हम गला बनाएंगे। इसका आपने सेंटर हमेशा बना लेना है प्रेस करके, या फिर आप एक निशान लगा लें। और अब हम इस गले को इसके सेंटर के ऊपर बिल्कुल रखेंगे।
और ऊपर की सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके बीचों बीच एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने का फायदा इसलिए है कि गला आपका बिल्कुल भी टेढ़ा ना बने। ये सिलाई आपने जरूर लगानी है जब भी आप गला बना रहे हो। ये वीडियो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बिगनर्स के लिए है, ठीक है। मेरे पास मेरी व्यूअर हैं एक, उनको वो अभी उन्होंने सिलाई सीखना शुरू किया है तो उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ, क्योंकि वो बहुत दिन से गला बना रही थी तो उनका गला कभी टेढ़ा बन रहा था, कभी उसमें झोल आ रहा था, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि एक या दो गले मुझे सिंपल वे से बना के दिखाएं। तो यहाँ पे अब सीधी सिलाई सेंटर से सेंटर मिला के लगानी है आपने। अब हम इसे इस तरह सेट कर लेंगे गले को, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, अच्छी तरह आपने बिठा लेना है। यहाँ पे कोई भी कपड़ा ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से सिलाई लगा कर आएंगे। ये हाफ गले में अब सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी साइड भी हाफ में इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप लगाकर सिलाई आपको दिखाती हूँ मैं। अब देखिए सिलाई हमने लगा दी है। अब आधा इंच कपड़ा छोड़ के इसे हमने कट करना है अंदर वाले कपड़े को। और अब हम इसके कॉर्नर्स पे भी कट लगाएंगे। इस तरह पूरी गोलाई में भी कट लगा देते हैं, ऊपर भी लगा देते हैं। अब हमने इस गले को फोल्ड करना है अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे इस तरह फोल्ड करके इस तरह पहले हाथों से सेट करेंगे। इस तरह पहले आपने सेट करना है और जो ये कॉर्नर्स हैं इसको इस तरह पकड़ के एक बार ट्विस्ट कर देना है, इस तरह थोड़ा सा, ठीक है। ट्विस्ट करेंगे तो इसमें फिनिशिंग अपने आप आ जाएगी। देखिए इस तरह ये कॉर्नर है यहाँ पे भी, इसको भी इस तरह ट्विस्ट करेंगे एक बार। चलो लीजिए ये गला अब हमारा इस तरह टर्न हो जाएगा, ओके। अब हम इसके ऊपर एक रफ सिलाई लगाते हैं, उसके बाद इसमें तुरपाई करेंगे। अब यहाँ पे मोटे बखिये से, बखिया आपने बड़ा कर लेना है। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगा देते हैं। लीजिए ये गला अब हमारा बनकर इस तरह तैयार हो गया है। अब एक सिलाई आपने बिल्कुल इसकी किनारे की लाइन पे लगानी है। ये सिलाई अब ब्रीफ बखिये से लगेगी। बहुत ध्यान से लगाएंगे, इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। लीजिए हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। इसमें सिंपल गला, गोल गला, कोई भी आप इसी स्टाइल से, मतलब इसी तरीके से कोई भी शेप का गला आप बना सकते हैं। और देखिए अब देख सकते हैं कि गला बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से बना है, कहीं भी आपको कोई झोल या कोई यहाँ पे कोई अनफिनिशिंग नहीं दिखेगी। अगर आपको ये स्टाइल हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम किसी नए डिज़ाइन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।